भरत लाल ने खींच के मारो हनुमत के, भरत लाल ने खींच के और मारो हनुमत की में। जब बाण लगा हनुमान के आँखों में जमते आंसू छा गए, आँखों में जमते आंसू छा गए, ओ राम राम कहते हुए हनुमान जी नीचे आए, ओ राम राम कहते हुए हनुमान नीचे आ गए। गुरुदेव जब वार्तालाप हुई हनुमान में और भरत में, सारी दास्तां सुनाई हनुमान जी ने भरतलाल जी। जब भरतलाल जी ने पूछा कि आप इस समय और कैसा रिश्ता पवित्र बना, और वो सुग्रीव मित्र बना हो, सुग्रीव भला है जो राम संग चला, वो दुश्मन रावण है, दुश्मन रावण है, और वो भक्त विभीषण है, हनुमान जी ने बताया कब विभीषण भी राम की शरण में आ गया, उसके भाई रावण ने लात मार के उसे लंका से निकाल दिया, तो कहने लगे भरतलाल जी के वो भी बड़ा खुश नसीब वाला है, मुझसे तो अच्छा है। कैसे? वो भक्त विभीषण है और वो दुश्मन रावण है।
बड़े खुश नसीब वाले हैं। हम बड़े खुश नसीब हैं जो आए गए घर को तज आज, जो आए गए घर को तज आज, मेरी आत्मा खुशी हो गई जब देखे भैया ब्रजरा, देखे भैया ब्रजरा। इसीलिए कहना है वो पैद्य सुखदाई है जिसने बूटी बता तो बेचारा वैद्य राज है जो कि लंका में रहते हुए भी रावण की ताबेदारी बजाता है, तो लंका में रहता है वो भी आज दुश्मन होकर के भी और मेरे भाई के काम आ गया, लेकिन मैं नहीं काम में आया, इसीलिए वो वैद्य सुखदा जिसने बूटी बताई है, हो बताई। हनुमत जाना जान बचाना, हनुमत जान कहते